है। फाइलों में बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। एक ऐसा ही चौंकाने वाला प्रकरण सामने आया है। साल 2018 में कानपुर नगर निगम ने शासन से तैनात किए गए मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक दीपक यादव पर मार्ग प्रकाश विभाग के एक बाबू इस कदर मेहरबान हुए कि गैर स्वीकृत अवकाश के दिनों का 6,10,644 वेतन जारी कर दिया। मामला प्रकाश में आने के बाद जब विभागीय जांच शुरू हुई तो फाइल दबा दी गई। मामला वर्तमान नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी के संज्ञान में आने के बाद पड़ताल शुरू होने से खलबली मची हुई है। हालांकि लेखा विभाग के अफसरों द्वारा पूरे मामलों को अभी तक गोपनीय रखने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस मामले में अधिष्ठान लिपिक की लापरवाही सामने आई है। यहाँ से आरित किया जाता था। ये मामला निकल के आया है कि उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था परंतु अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ था और वो अस्वीकृत अवकाश की अवधि में भी यहाँ से लिपिक द्वारा उनका वेतन आहरित किया गया। तो उस संबंध में लिपिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है और जो भी इस चीज़ में दोषी निकल के आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर उनका वेतन 6,10,000 चला गया तो क्या रिकवरी भी होगी? इसमें अगर निकल के आता है कि अस्वीकृत अवकाश में लिपिक ने धोखेधड़ी से निकाला है तो रिकवरी होगी उन लिपिक से, और अगर ये निकल के आता है कि उसमें अभियंता का रोल था तो उनसे रिकवरी होगी। शहीद हुए